स्टे हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। जिंदगी बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, रो लो हंस लो, जिंदगी यही है। हंस ले गाले दिले हाल किसे सुनाए, कोई सच्चा यार नहीं। प्यार करने वाले तो बहुत है पर सच्चा प्यार नहीं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रुको, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये इंसान है कौन? अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? तो ये वो आपका अनिल बिसारी जो कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से गायब है। तो काफी टाइम बाद कॉलेज खुल रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि कॉलेज में क्या हो। तो आवाज़ की गुणवत्ता ना आते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लिप में मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉलेज में आजकल हो क्या रहा है। ये बाबूराव का स्टाइल। बात की जाए आज के मौसम की तो आज बादलों स्वर्ग। तो सबसे पहले कॉलेज विद्यार्थी अपने लिए एक वाहन की प्रतीक्षा करता है ताकि वो कॉलेज तक जा सके। यहाँ हमारे को एक बस मिली जिसमें बैठ के हम कॉलेज की ओर जा सके, लेकिन ये लॉन्ग रूट वाले जो बस के ड्राइवर होते हैं ना, बस को रोकते नहीं खेड़ी, पर मैं नहीं मानता, मैंने रोकी दी बस और हम चल पड़े कॉलेज की ओर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कॉलेज, ये अपना कॉलेज। तो जैसे मेकअप के बाद लड़की और ब्रेकअप के बाद लड़कों के हालात होते हैं ना, वैसे ही बारिश के बाद हमारे कॉलेज के हालात भी इतने बुरे हुए हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, और ये मूर्ति आपको पता ही होगा दत्तनगर में मिली थी रेत के बीच, बहुत ही पुरानी मूर्ति है। मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ तो अरे देख लो गाइस, कुछ तो सीख लो, कॉलेज में कुछ तो है देखने लायक, देख लो। पता नहीं, ये हमारी सरस्वती माता जी जिनका हम हमेशा आशीर्वाद लेते हैं ताकि थोड़ी तो सद्बुद्धि मिले मेरे दोस्तों को। तो जैसे हम कॉलेज में एंटर होते हैं, हमें दिखते हैं कुछ गिने चुने लोग जो हमेशा ही कॉलेज आते जाते रहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले ना लाइब्रेरी जाते हैं, हमारी तरह घूमने फिरने नहीं आते। वही हमें दिखते हैं शीशी के जाँबाज। जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा सस्ता कॉलेज पहुंचने के बाद एक लड़का अपने दूसरे दोस्त को ढूंढने निकल जाता है, उसी प्रकार मैं भी इसको ढूंढने के लिए कहां नहीं गुजरा। ये हमारा सस्ता दोस्त और ये हमारी बेजी, ये शायद अपनी सुंदरता की झलक हमें नहीं दिखाना चाहते थे। गलती से आगे, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो यहाँ हमारी होने वाली है मीटिंग। ये हमारे साहिल भाई लाइक कमेंट शेयर। कॉलेज में थोड़ा बहुत घूमने के बाद अपने सीनियर से भी बात करनी पड़ती है, तो मैं चलो इनसे पूछता हूँ कि कॉलेज कब खुलेंगे, क्योंकि ये है ना हमारे सीनियर के सीनियर। तो हम बच्चों को बताएं आप कि कॉलेज कब तक कंटिन्यू स्टार्ट होगी क्लासेस। कॉलेज वैसे तो खुल गए हैं, अभी टाइम टेबल भी आ गया है, पर वो टेंटेटिव टाइम टेबल है, मतलब उसमें अभी भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वैसे रेगुलर क्लासेस एक से ही लगेगी। ओके, तो बच्चे मतलब 1 तारीख से ही कॉलेज आए। हाँ, वैसे अगर सीज़न क्लोज करके आना चाहते हैं, सीज़न क्लोज करके आ सकते हैं। वैसे हमारा 1 से सीज़न है, तो हम 10 के बाद आएंगे। ओके। क्या हो रही क्लासेस वगैरह होगी आजकल? क्लासेस टीचर का मन किया होगी, नहीं किया नहीं होगी। ओके, तो बात है ऐसी, आज थी मीटिंग, लेकिन हमारे अभिषेक जी खुद नहीं आए। क्या? अच्छा आए। तो अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे? आई लव यू गाइस। बोलो सुबह, ये तो मेरी लाइन थी। तो कंटेंट की कमी हो भाई जी, कंटेंट मिल गया भाई जी। कब से आ रहे हो आप कॉलेज? आज कौन सा दिन है? पहला, दूसरा? अच्छी बात नहीं। मुझे लगता था केवल मैं हूँ एक लवारिस जो कॉलेज में फालतू घूमता है, लेकिन यहाँ आने पर मुझे बहुत से लोगों का दीदार हुआ। बोलो जुबान केसरी। तो हमारे कुछ सीनियर्स थे वो लोग, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, देखेंगे क्लासेस वगैरह लग रही है कि नहीं लग। तो दोस्तों ये है अभिषेक, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो कॉलेज आओ टाइम से, 1 तारीख तक आ जाना। बाकी तो ऐसी ही है नॉर्मल चीज़ें। तो दोस्तों जब कॉलेज आओ तो हमसे संपर्क करें, हम आपको अपने एक टीम में ऐड करना चाहेंगे जो टीम कॉलेज में मचाएगी, मस्ती करती है और कुछ काम नहीं उसका, कॉलेज में धूम मचाएगी। तो प्लीज सब तो ये हमारी डीजे नेशन वालों की चली थी मीटिंग खत्म होने वाला सीन दिखाता हूँ अब सीधा। होती हुई मीटिंग खत्म, अब इन दो साथ में कॉलेज में बस ऐसे मस्ती मजाक होते रहते हैं। ब्लॉग के लिए कंटेंट दो कुछ, जय श्री राम और कुछ और स्टे हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी, जिंदगी बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, रो लो हंस लो, जिंदगी यही है, हंस ले गाले क्या बोलेगी कुछ अभी तो थंबनेल में होगी। तो दोस्तों कॉलेज में एक सामान्य विद्यार्थी इस जगह जरूर आता है जिसका नाम है कैंटीन। तो कैंटीन के बाद अब हमारी बारी थी घर जाने की, लेकिन घर जाने से पहले हम बाजार जाना चाहते थे तो हम रुके थे बस के लिए, लेकिन बोर हो रहे थे, बस आई नहीं इसलिए हम रील बनाने लग गए। आज बारिश के बाद हमारा कॉलेज खुल गया, वाह 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 वाह। आज बारिश के बाद हमारा कॉलेज खुल गया, वाह वाह वाह। आगे क्या बोलना था मैं वो ही भूल गया। पीछे मुड़ो, हाय करो हाय करो हाय। तो गाइस ये हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर्स। तो यहाँ धूल मिट्टी का सामना करते हुए हम जा रहे हैं बाजार की ओर। तो इनका हो गया है मेकअप खराब बेचारे जैसे। भाई जी आप कहाँ से हो? मैं हूँ लालसा से। लालसा तकले से एकदम सीधा दिखता पार तकले से दिखते। हाँ तो हम हैं पड़ोसी, मतलब आर पार के, आमने सामने के। हाँ तो बाजार पहुँचने पे हमें मिले हमारे एक और मित्र, तो हम अभी स्मायरा जा रहे थे। कुछ खाया नहीं, चीनी और इलायची पहले खा रहा। अभी हम बैठ चुके हैं स्पायरा में। तो धीरे जी क्या खाएंगे? जो आप वो तो मैं ही लूँगा। बहुत मजे किए। वही कुछ ऐसा हुआ बस में, हम बस में रूम जा रहे थे और हमने कुछ ऐसा गजब का देख लिया। सर बाजू बाहर निकाले, सरकारी बस उठा। कौन है ये दिव्या? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। टैग दिव्या, कैच टैग दिव्या। तो दोस्तों इस तरह हुआ आपके इस अनिल बिशाहरी का पहला दिन कॉलेज का ख़त्म। मौज मस्ती, बहुत मज़े किए, बहुत खपे डाली यार, थक गया था इतना, तो एडिट करने में बहुत टाइम लगा। अब आप कर दो कृपा, बसार दो, लाइक करो, कमेंट करो जो फेवरेट पार्ट था, और वीडियो को अपने दोस्तों कॉलेज दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। दबा के लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिए दबा के।